सिफ्रा, सिफ्रा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईगल मूवी के अब तक टोटल कलेक्शन के बारे में, और वही साथ ही साथ बात करेंगे तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के बारे में। आइए बताते हैं कि ये दोनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है और कौन सी मूवी आगे चल रही है। तो पहले बात कर लेते हैं ईगल मूवी के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी हफ्ते रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ईगल को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये फिल्म हमारी उम्मीदों से काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ईगल के चार दिनों के टोटल इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी स्क्रीन पर चल रही है। तो फिल्म ईगल जिस फिल्म के लीड में हमें रवि तेजा के अलावा अनुपमा परमेश्वरम और दिव्या खट्टर नज़र आने वाली हैं। बताते चलें आपको कि कार्तिक गट्टम नैनी के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कि हिंदी में सहदेव के नाम से रिलीज किया गया है और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 1500 स्क्रीन दी गई थी। मास महाराजा रवि तेजा की फिल्मों को वैसे तो ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है और अगर उनकी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यू मिल जाते हैं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। वैसे ही हाल में यहाँ पर फिल्म ईगल के साथ भी हुआ है जिसे कि ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यू मिले हैं, तो वही क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग दी है। इस फिल्म ने जहाँ अपने पहले दिन 6,50,00,000 रुपये के आंकड़े को इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर टच किया और दुनिया भर में ये फिल्म 11,00,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही, तो वही ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले अच्छे रिव्यू के बाद इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन के कलेक्शन 9,50,00,000 रुपए के रहे। तो वही अपने तीन दिनों में ये फिल्म इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 7,00,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही और दुनिया भर में 10,00,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही। इन तीन दिनों के साथ ही इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 31,00,00,000 रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर पार कर चुका था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने चौथे दिन के कलेक्शन की, तो बताते चलें आपको कि अपने शुरुआती तीन दिनों में 19,00,00,000 रुपए की नेट कमाई इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी रवि तेजा की ये फिल्म आज अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग होल्ड करती नज़र आ रही है। काफ़ी कम स्क्रीन और कई सारे फिल्मों से मिल रहे क्लैक्स के बावजूद भी ये फिल्म आज ने चौथे दिन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 3,00,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है और दुनिया भर में 6,00,00,000 रुपए कमा रही है। इन 6,00,00,000 के साथ ही इस फिल्म का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर टोटल 37,00,00,000 रुपए का हो चुका होगा, जबकि इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 22,00,00,000 रुपए कमा चुकी होगी। इस फिल्म का बजट 40,00,00,000 रुपए का है, ऐसे में ये फिल्म जल्द ही अपने बजट के रिकवरी करती हुई एक हिट फिल्म साबित होने वाली है। आइए वही बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस अपने वीकेंड में मिला है, लेकिन ये फिल्म आज अपने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है ये आज हम जानने वाले हैं। तो इसी हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये तो ऑडियंस कल आ ही रही है, साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बॉलीवुड के लिए दूसरी हिट फिल्म भी साबित हुई है। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि अमित जोशी और आराधना शाह के डायरेक्शन में बनने वाली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक लव रोमांस और साइंटिफिकली फिल्म है जिसके लीड में आपको शाहिद कपूर और कृति सेनन की जोड़ी पहली बार नज़र आई है। इस फिल्म को आपको एक्टर्स के अलावा धर्मेंद्र देवल सर और डिंपल कपाड़िया भी नज़र आई। राकेश बेदी सर का हमें कैमियो देखने को मिला है। लगभग 75,00,00,000 रुपए के बजट में बनने वाली लव रोमांस फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले। वही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स 2
निगेटिव रेटिंग दी, लेकिन बावजूद इसके शाहिद कपूर और कृति सेनन की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन से ऑडियंस का दिल जीत रही है, तो वही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शानदार कमाई की है। अपने पहले दिन 6,70,00,000 रुपए की ओपनिंग इंडिया बॉक्स ऑफिस पर लेने वाली इस फिल्म ने 13,70,00,000 रुपए कमाए थे, जिसमें ये फिल्म ओवरसीज से 1500 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अपने दूसरे दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 9,65,00,000 रुपए के रहे, जबकि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 19,00,00,000 रुपए कमाए। और इन 19,00,00,000 के साथ ये फिल्म शुरुआती दो दिनों में इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 16,00,00,000 और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 35,75,00,000 रुपए कमा चुकी थी। लेकिन कल अपने तीसरे दिन यानी कि फर्स्ट डे संडे में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन था वो काफ़ी स्ट्रांग रहा और इस फिल्म ने फाइनली डबल डिजिटल के आंकड़े को पार करते हुए 10,70,00,000 रुपए की कमाई इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर की है। इन 10,70,00,000 रुपए के साथ ही इस फिल्म का जो टोटल है वो लगभग 27,00,00,000 रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर टच कर चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म ने 22,00,00,000 रुपए की कमाई अपने तीसरे दिन की। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 54,00,00,000 रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तीन दिनों में एक हिट ट्रेंड कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के वीकेंड डेज के कलेक्शन की, तो शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस ब्यूटीफुल केमिस्ट्री को देखने के लिए ऑडियंस आज भी सिनेमाघरों में तक जा रही हैं। लेकिन आज इस फिल्म के कलेक्शन में लगभग 70% की ग्रोथ देखी जा रही है। ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 3,50,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल लगभग 30,70,00,000 रुपए का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दूसरे इस फिल्म ने आज अपने कलेक्शन 6,50,00,000 रुपए आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल 60,00,00,000 रुपए का होगा। लगभग 75,00,00,000 रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म का इंडिया में हिट होने के लिए 90,00,00,000 और दुनिया भर में हिट होने के लिए 130,00,00,000 से ज़्यादा की कमाई करनी होगी। फिलहाल फिर ट्रेंड को देखकर लग रहा है कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड में तो एक हिट फिल्म साबित होगी, लेकिन इंडिया में हिट होने के लिए इस फिल्म को काफ़ी लंबा रन लेना पड़ेगा। वैसे आपको इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय बउआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।